प्लीज बैठिए बैठिए। माने सुधा आपको समस्या है क्या? आप अगर बार बार उठोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाए करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये सुनो एक मिनट, ये आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते, ये अधिकार मेरा है, प्लीज बैठ जाइए। भी अध्यक्ष के मामले में बोलते समय मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बिना कोई ऑथेंटिक टिप्पणी के लिए आसन के बारे में मत बोला। सर माइक को दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। दोस्तों चलिए मिलते हैं ओम बिड़ला से। वैसे इतना घमंड और गुस्सा किस लिए भाई, इतना घमंड की राष्ट्रगान भी सुनाई नहीं दिया। आजकल ओम बिड़ला साहब को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है। इन्हें देखकर लगता है कि घर पर तो इनकी दाल गलती नहीं है, बस आ जाते हैं सदन में विपक्षी दल पर गुस्सा उतारने। क्या सर बोलते समय में? हाँ सर, जी सर, आप आगे ना सर, आप प्रोटेक्शन है मुझे, अब तो कोई फिक्र की बात नहीं, और खुल के बोल सकते सर, आप आगे सर। और जरा इनके प्लीज को तो सुनिए, दिल खुश ना हुआ तो कहना। नहीं प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। नहीं प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। आपने बोला कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो? ये आपने कहा था कि आप इतना, आप कभी भी अध्यक्ष के मामले में बोलते समय, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बिना कोई ऑथेंटिक टिप्पणी के लिए आसन के बारे में मत बोला करो। इट्स नॉट इन द रिकॉर्ड एक्सपेंस, इनका एक्सपेंस है, इज इट सो सिंपल, पहले बोल जाओ फिर एक्सपेंस करो, ये कोई तरीका है? लाइव टेलीकास्ट होता है सर, ऐसे नहीं चलता है। देखा है सर, देखा है, स्टैंड बाय माय। अध्यक्ष जी ने विरोध किया क्या? अध्यक्ष जी ने विरोध किया क्या ये बताओ आप, क्या अध्यक्ष जी ने विरोध किया क्या ये बताइए, आपकी बात का अध्यक्ष जी ने तो विरोध नहीं किया ना। आई एम श्योर द ऑनरेबल स्पीकर सर हैज ऑलरेडी एड्रेस्ड मी, मिस्टर मेघवाल, प्लीज आई वुड एडवाइस यू, प्लीज लेट मी फिनिश, थैंक यू। सर माइक को दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दोनी, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं, इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं, सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप, सुनिए सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ स्पीकर सर, आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन, आई विल अलाउ हिम टू स्पीक। ये सुनो एक मिनट, ये आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते, ये अधिकार मेरा है, प्लीज बैठ जाइए। आई सॉ माय दलित कॉलीग स्पीक टुडे, पासवान जी, आई सॉ हिम, ही नोज द हिस्ट्री ऑफ द दलित्स, ही नोज हु हैज ऑप्रेस्ड द दलित्स फॉर 3000 इयर्स, एंड ही इज स्पीकिंग विद अ हेजिटेंसी, ही इज स्पीकिंग विदाउट, I am proud of him. I am proud of this gentleman. He has spoken to me what is in his heart. I am proud of this man. But he is in the wrong party.
डोंट वरी, घबराइए मत। बीच में नहीं तो बीच में थोड़ी बोलेंगे, बाद में। नो, लुक, स्पीकर सर, आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन, आई विल अलाउ हिम टू स्पीक। ये सुनो, एक मिनट, ये आप किसी को इजाजत नहीं, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो। चलो बेटो, केरला श्री शशि थरूर। I, Shashi Tharoor, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. Jai Samvidhan! संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो। चलो बेटो, चलिए। नहीं, एक मिनट, प्लीज बैठिए। नहीं, प्लीज बैठिए। पर अपन को सदन के बाहर ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते, ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। क्योंकि सर, अध्यक्ष जी, बट रियलिटी है, आप माइक बंद कर देते आपको आप एक मिनट, प्लीज बैठे। आप बैठिए, मैं बैठा हूं ना, प्लीज बैठिए। नहीं, मेरा है कहना, आप पूरे समय बोले, आज नहीं, आपका आप बोल लें फिर। आप पूरे, ठीक है, थैंक यू, प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाए करें। यह मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।